वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपके लिए बोर्सो के न्यूली रिलीज प्रोजेक्टर BS30 प्रो का रिव्यू लेकर आई हूँ। कंपनी का दावा है कि ये प्रोजेक्टर उनके बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्टर बोर्सो BS30 का अपग्रेडेड वर्जन है। तो आज की इस वीडियो में इस नए प्रोजेक्टर का रिव्यू करने के साथ साथ मैं आपको उसे बोर्सो BS30 के साइड बाई साइड कंपेयर करके भी दिखाऊंगी, ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सके कि दोनों में डिफरेंस है भी कि नहीं। दोस्तों, इस चैनल पे हम पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं और जो कहते हैं उसे प्रूफ करके दिखाते हैं। हमारा हर एक रिव्यू बहुत ही मेहनत के बाद आता है और हम हर प्रोडक्ट को हफ्तों टेस्ट करते हैं और उसके बाद ही वीडियोस लाते हैं, ताकि हम आपको हर प्रोडक्ट की सच्ची तस्वीर दिखा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते समय आप अपना डिसीजन सोच समझ के ले सकें। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस प्रोजेक्टर को किसी 5.1 होम थिएटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोजेक्टर्स की लाइफ को बढ़ाने की टिप्स भी दूंगी। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस प्रोजेक्टर को हमारी दी गई लिंक से परचेज करेंगे तो हमें दूसरे नए प्रोडक्ट्स खरीदने में मदद मिलेगी, और इस तरह से हम आगे भी बिना किसी कंपनी के दबाव के आपको ऑनेस्ट रिव्यूज दे पाएंगे। आपका प्यार और साथ ही हमें ऑनेस्टी की राह पे चलने की ताकत देता है। तो चलिए अभी वीडियो बोर्सो BS30 प्रो प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है बोर्सो BS30 प्रो प्रोजेक्टर, जो कंपनी के अकॉर्डिंग बोर्सो BS30 का अपग्रेडेड वर्जन है। चलिए अब इस बॉक्स को खोलकर देख लेते हैं कि अंदर क्या क्या आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक पावर कॉर्ड, एक रिमोट, एक AV केबल और एक बोर्सो कार्ड रखा मिलता है। प्रोजेक्टर लुक्स में सेम बोर्सो BS30 जैसा ही है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। ऊपर के सरफेस पे मेटालिक ब्लैक ब्रश्ड फिनिश दी गई है। सामने की ओर ग्रे मैट फिनिश है। लेंस के प्रोटेक्शन के लिए इसके साथ एक प्लास्टिक कवर आता है। ऊपर के सरफेस पे आपको टच बटन्स मिलते हैं। लेंस के साइड में गोल्ड में बोर्सो BS30 प्रो लिखा आता है। लेंस के चारों ओर एक क्रोम लाइनिंग दी गई है, जो इस प्रोजेक्टर के लुक्स को इनहांस करती है। इस साइड फोकस व्हील दी गई है और इस प्रोजेक्टर में डस्ट फिल्टर का प्रोविजन भी दिया गया है। प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए इसमें काफी सारे वेंट्स हैं। पीछे की ओर पावर पोर्ट, AV पोर्ट, हेडफोन जैक, 2 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स के अलावा एक IR ब्लास्टर और स्पीकर दिया गया है। प्रोजेक्टर के लेग्स के नीचे स्क्रू थ्रेड्स का प्रोविजन है। आप इस प्रोजेक्टर को सीलिंग से भी माउंट कर सकते हैं। आगे की ओर एक स्क्रू दिया गया है, जिससे आप डेस्कटॉप प्रोजेक्शन करते समय हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। ये सेम वही रिमोट है जो बोर्सो BS30 के साथ भी आता था। रिमोट में पिक्चर सेटिंग्स के साथ साथ आपको ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये प्रोजेक्टर बोर्सो BS30 के स्पेसिफिकेशंस के साथ ही आता है। बस इसमें इनहांस ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी पीक ब्राइटनेस 8000 ल्यूमेंस है, लैंप लाइफ 50,000 आवर्स और डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो 18:1 है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर को आप मैक्सिमम 300 इंचेस तक की स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें 4D डिजिटल कीस्टोन करेक्शन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जूम फीचर भी दिया गया है। ये प्रोजेक्टर रिमूवेबल डस्ट फिल्टर के साथ आता है। ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जो वाईफाई और मीरा कास्ट के फीचर्स के साथ आता है। इसमें 1 GB रैम और 8 GB का स्टोरेज दिया गया है। ऑडियो के लिए इस प्रोजेक्टर में 3 वॉट्स का स्पीकर दिया गया है। अब आते हैं इस प्रोजेक्टर के रियल परफॉर्मेंस पे। तो इस प्रोजेक्टर में आपको 4D कीस्टोन करेक्शन मिल जाता है, जिससे आपको बढ़िया रेक्टेंगुलर स्क्रीन मिल जाती है। इस प्रोजेक्टर में ऑटो फोकस नहीं दिया गया है, लेकिन ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक फोकस वाले प्रोजेक्टर्स में बीच बीच में फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिससे आपको बार बार फोकस सेट करना पड़ता है। और मैनुअल फोकस वाले प्रोजेक्टर में आपको फोकस बस एक बार शुरू में ही सेट करना पड़ता है, उसके बाद दोबारा फोकस सेट करने की जरूरत तभी पड़ती है जब आप प्रोजेक्टर को मूव करके इधर उधर प्लेस करते हैं। तो चलिए अब इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस की बात करते हैं। मैं एक बार आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि कोई भी बजट प्रोजेक्टर 4000 ल्यूमन से ज्यादा ब्राइटनेस नहीं देता है, चाहे कंपनी इस फिगर को 10,000 ल्यूमन ही क्यों ना बताए। बोर्सो BS30 को बीट करके ये समय बजट कैटेगरी का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है। सबसे पहले आप इसका साइड बाई साइड कंपैरिजन बोर्सो BS30 के साथ देख लीजिए, ताकि आपको खुद पता चल जाए कि ये प्रोजेक्टर इस कंपनी के पहले मॉडल से ज्यादा ब्राइट है भी कि नहीं। तो डेफिनेटली ये प्रो प्रोजेक्टर बोर्सो BS30 का अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बोर्सो BS30
क्वालिटी से भी ज्यादा अच्छी है। ये इसका परफॉर्मेंस सिंपल व्हाइट स्क्रीन पे है, आप खुद देख सकते हैं। प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इस पे आपको एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट रेशियो काफी अच्छा है, इस पे बहुत वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं और ब्लैक्स बहुत डीप दिखते हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्टर की डिटेल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, जिससे इस प्रोजेक्टर पे आपको एक काफी शानदार पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। बोर्सो BS30 से आपको इस प्रोजेक्टर पे ज्यादा डीप ब्लैक्स मिलते हैं। इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर भी बहुत कंट्रोल्ड है, आप देख सकते हैं कि इस मोशन ब्लर टेस्ट को ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छे से पास कर रहा है। मूवीज देखना इस प्रोजेक्टर पे काफी अच्छा लगता है। इसको लेने के बाद आपको सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्टर आपको घर बैठे ही सिनेमा हॉल जैसा अच्छा बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस दे देता है। लेकिन मेरी इतनी तारीफ करने से ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्रोजेक्टर बेनक्यू और दूसरे हायर ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स को भी पिक्चर क्वालिटी में बीट कर देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। बजट कैटेगरी क्या 50,000 से 60,000 में भी मिलने वाला कोई प्रोजेक्टर हायर ब्रांड्स के DLP प्रोजेक्टर्स को परफॉर्मेंस में बीट नहीं कर सकता है। हाँ, सैमसंग फ्री स्टाइल प्रोजेक्टर को ये प्रोजेक्टर अपने परफॉर्मेंस से इजिली बीट कर देगा। इस प्रोजेक्टर पे HDR ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी भी बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर में आपको ट्रू HDR नहीं मिलता है। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस होता है, जिसमें आपको स्क्रीन पे HDR तो दिख जाता है, लेकिन वो एक्चुअली काम नहीं करता है। एक सॉफ्टवेयर अपडेट आने पे भी वो HDR सपोर्ट दिखना बंद हो जाता है। रियल HDR सपोर्ट के लिए आपको बेनक्यू और ऑप्टोमा जैसी बड़ी कंपनीज के 1.5 लाख के आसपास में मिलने वाले प्रोजेक्टर्स लेने होंगे, जिसपे HDR स्पेसिफिकेशंस में मेंशनड हो। इस प्रोजेक्टर के लिए बेस्ट स्क्रीन की बात की जाए तो व्हाइट स्क्रीन पे भी इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ग्रे स्क्रीन पे इसका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने बेस्ट व्हाइट और ग्रे स्क्रीन की परचेज लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से उन्हें परचेज कर सकते हैं। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो भी काफी अच्छी है, साउंड लाउड होने के साथ साथ क्लियर और क्वालिटी रिच भी है। ऐसे तो आप इसके स्पीकर्स के थ्रू भी सारे प्रोग्राम्स कंफर्टेबली देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको इसके साथ एक होम थिएटर लेना होगा। We made all this by making smart decisions, not emotional ones. Our canal protects us from those monsters. I don't think it's wise to risk yourself when you don't have to. यहाँ हीर के सारे टुकड़े होते तो बिना डरे फैल पाते। और हाँ, ये फैसला जज्बात ही नहीं है, यही इकलौता फैसला है जिससे दल का भविष्य बचेगा। Namari, you're truly growing into the leader I raised you to be. General Atithaya, ready the royal army for my daughter's command. गया। इन्हें कुर्सी गरम करने को कहा था। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, पर मुर्गियों से सतरंगी अंडे निकालना जादू नहीं है। डोलोरस ने कहा कि तुम डरी हुई हो, क्या तुम जानती हो कि कल रात जादू के साथ क्या गड़बड़ हुई थी? जानती हो? मेरा बहन, तुम ध्यान दे रही हो या मैं कुछ करूं? इस प्रोजेक्टर का मेन चार्म ये भी है कि इसमें HDMI ARC दी गई है, जिससे आप कोई भी साउंड बार इससे HDMI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। एक इल्यूमिनेटेड रूम में भी इस
प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है क्योंकि इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है और टेक्स्ट भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू शार्प और वेल फोकस दिखते हैं, इसलिए इसको आप क्लासरूम टीचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये इस प्रोजेक्टर में दी गई एंड्रॉइड यूआई है, लेकिन यहाँ भी ये जान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्टर ऑफिशियल एंड्रॉइड के साथ नहीं आता है, इसीलिए उसका एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं होता है। प्रोजेक्टर पे लेटेस्ट एंड्रॉइड है या नहीं ये तभी मायने रखता है जब उस पे ऑफिशियल एंड्रॉइड दिया गया हो, जो किसी भी प्रोजेक्टर पे नहीं आता है। इन सारे बजट प्रोजेक्टर्स पे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस सिर्फ यूट्यूब पे ही मिलता है, जहां आपको 1080p तक का सपोर्ट मिल जाता है। दूसरे एप्लीकेशंस में बहुत लो रेजोल्यूशन मिलता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी भी बुरी हो जाती है और आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। प्रोजेक्टर्स की इस कमी को दूर करने के लिए आपको हर प्रोजेक्टर के साथ एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। अमेज़न फायर टीवी स्टिक मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उसके थ्रू आपको बहुत सारे बजट प्रोजेक्टर्स में 4K सपोर्ट नहीं मिलता है। अमेज़न फायर टीवी स्टिक सिर्फ उन डिवाइसेस पे 4K सपोर्ट करती है जिनमें HDMI का HDCP वर्जन 2.2 होता है, और बजट प्रोजेक्टर्स में मोस्टली इससे कम का वर्जन ही दिया जाता है, क्योंकि मी कूल टीवी बॉक्स इंडिया में अब अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस समय मी टीवी बॉक्स ही प्रोजेक्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जब आप इस प्रोजेक्टर को किसी भी अच्छे एंड्रॉइड टीवी बॉक्स से कनेक्ट करेंगे तो उसके थ्रू आपको अच्छी पिक्चर स्केलिंग भी मिल जाएगी। हालांकि आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू 300 इंचेस की स्क्रीन भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मैं आपको 150 इंचेस की स्क्रीन रखने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि उससे अबव कहीं ना कहीं पिक्चर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कॉर्नर पे ब्लर की बात की जाए तो ऐसे तो पिक्चर देखते समय कोई ब्लर नोटिसेबल नहीं होता है, लेकिन टेक्स्ट डिस्प्ले करते हुए आपको किसी कॉर्नर पे 5% तक का ब्लर दिख सकता है, जो अच्छे से अच्छे बजट प्रोजेक्टर में भी होता है। 10 फीट की दूरी से ये प्रोजेक्टर लगभग 100 इंच की स्क्रीन बना देता है, इसलिए अगर आपका रूम छोटा भी है तब भी आप इसे अपने रूम में आराम से सेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि किसी भी प्रोजेक्टर का बेस्ट एक्सपीरियंस आपको तभी मिलता है जब आप उसे स्क्रीन के सेंटर में रखकर प्रोजेक्ट करें। एक्सट्रीम साइड से पिक्चर के कॉर्नर्स थोड़े ज्यादा ब्लर दिखते हैं। एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के अलावा आप इस प्रोजेक्टर से अपना DVD प्लेयर, PlayStation और सेट टॉप बॉक्स सभी कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये एक 3D प्रोजेक्टर है जिसपे रेड एंड ब्लू ग्लासेस के थ्रू आप 3D प्रोग्राम्स देख सकते हैं, लेकिन रेड और ब्लू ग्लासेस के थ्रू मिलने वाला 3D एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर आपको रियल 3D एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छी ब्राइटनेस वाला DLP प्रोजेक्टर लेना होगा, जिसपे एक्टिव शटर ग्लासेस के थ्रू आपको बहुत बढ़िया 3D एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जहाँ तक प्रोजेक्टर के फैंस की नॉइस की बात है तो नॉइस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जब ऑडियो प्ले ना हो रही हो तो अटेंशन जरूर ड्रॉ करती है, लेकिन जब आप इस पे प्रोग्राम्स प्ले कर रहे होंगे तो उनकी लाउड साउंड के पीछे फैन नॉइज बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। इसमें आपको मीरा कास्ट का फीचर दिया गया है, लेकिन मुझे इसकी कास्टिंग सैमसंग फोन के थ्रू स्मूथ नहीं लगी। मीरा कास्ट के लिए आपको अपने फोन और इस प्रोजेक्टर को एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, और अगर आप इस प्रोजेक्टर के साथ एंड्रॉइड टीवी बॉक्स यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई तो मिलेगा ही, साथ ही साथ स्मूथ कास्टिंग भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की आफ्टर सेल सर्विसेज की। तो बोर्सो कंपनी इस प्रोजेक्टर पे 1 ईयर की वारंटी देती है। इस पीरियड में कंपनी अपने खर्चे पे कोरियर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जो दूसरी बहुत सारी कंपनीज नहीं करती हैं। अब बारी है आपको आपके प्रोजेक्टर की लाइफ बढ़ाने की कुछ टिप्स देने की। अगर आपको अपने प्रोजेक्टर की लॉन्ग लाइफ चाहिए तो आप प्रोजेक्टर को ज्यादा हीट अप होने से बचा कर रखें। अगर आप किसी भी प्रोजेक्टर को टीवी की तरह कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स तक चलाएंगे तो उसके डिस्प्ले के बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके रूम में एसी नहीं है तो कोशिश करिए कि प्रोजेक्टर के ऊपर आपके रूम का फैन अच्छे से हवा दे रहा हो। प्रोजेक्टर को कंटिन्यूसली सिर्फ 3-4 घंटे ही चलाइए और फिर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए। जब प्रोजेक्टर कूल हो जाए तब आप उसे दोबारा स्विच ऑन कर सकते हैं। टेलीविजन को कोई भी प्रोजेक्टर रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप टीवी पे जनरल प्रोग्राम्स देखिए और प्रोजेक्टर सिर्फ स्पेशल प्रोग्राम्स जैसे मूवीज या कोई स्पोर्ट्स इवेंट देखने के लिए ही रखिए। जब आप प्रोजेक्टर यूज नहीं कर रहे हो तो उसे कवर करके रखिए ताकि डस्ट उसके अंदर नहीं जाने पाए। अगर आप ये दो प्रिकॉशंस ले लेंगे तो आपका प्रोजेक्टर सालों साल चलेगा। जहाँ तक बात है गेमिंग की तो आप इस प्रोजेक्टर पे PS5 के थ्रू भी गेमिंग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।